सभी भाई को नमस्कार भाई, जय हिंद। आशा करता हूँ सभी दोस्त अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और ट्रेड टेस्ट की तैयारी सभी भाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज भाई कुछ जो मेन मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। भाई फिल्टर ऑयल वगैरह, सुका फिल्टर होता है, क्लच ऑयल और अपना सिलेंडर होते हैं जो उसके अंदर फायर एग्जीक्यूशन वाले, तो जो मैं मेन चीज़ है कैसे गेज मारते हैं, चेक कैसे करते हैं, तो वो चीज़ें मैं भाई पूरी कंप्लीट बता दूंगा। ठीक है, अपना एक एक करके आराम से देख लेना, वीडियो को पूरा देखना ताकि भाई शायद कोई चीज़ छूटे ना। तो 1% हो सकता है कि ट्रेड टेस्ट में चीज़ें करवा के देख ले, हालांकि जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ होती है वो बहुत कमी करवा जाती है, क्योंकि तो इतना टाइम होता नहीं है भाई। एक एक चीज़ करवाएंगे, गेज मरवाएंगे हर बच्चे से, चेक करवाएंगे मोबाइल वगैरह लेवल, क्लच ऑयल, तो इस चीज़ के बारे में। ठीक है, .4 ब्रेक, .3 क्लच, इस चीज़ का एक एक चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं बहुत सी चीज़ें इस चीज़ में आपका जो डाउट है ना, कैसे क्या करते हैं, फ़िल्टर कैसे चेंज होता है, तो वो सब चीज़ें मैं आपकी क्लियर कर दूँगा। फ़िल्टर कैसे खोला जाता है, तो मिलते हैं। अभी मैं कंटिन्यू के थोड़ा थोड़ा शॉर्ट लेके वीडियो डालता रहूँगा और अपना इकट्ठा देख लेना। ओके दोस्तों, ठीक है भाई, जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो मेरे पास जो गाड़ी है वो टाटा 913 है। ठीक है, इसका जो रेडिएटर कैप है ना, वो भाई यहाँ है। तो इसके लिए क्या, ये जो 5 कप नट होते हैं, 1 2 3 4, एक अंदर 5, एक कॉर्नर 6, तो भाई इनको खोलना पड़ता है। ये जो साइज़ है ना, ये 10 नंबर का होता है। ठीक है, ध्यान रखना, मतलब इस लेवल के जो भी हो ना, 10 नंबर की चाबी से इसको खोला जाता है। ठीक है, अभी होल्ड करते हैं, देख सकते हो भाई हमने खोल लिए। इसकी प्लेट होती है साइड में की, देखी, ये भाई रेडिएटर कैप है। ठीक है, हाँ ये रेडिएटर कैप आपके सामने। इसके अंदर चेक करेंगे पावर कितने, कितना क्या लेवल है इसका, क्या कुछ सब दिख जाएगा आपके सामने। देख लो भाई, ठीक है, अपना थोड़ा सा लेवल है डाउन। देखिए भाई लेवल देखो, उसमें अपना थोड़ा डिजिटल वोट डाल देते हैं, बस इतना रहना चाहिए। ठीक है, पूरा देख कर तसली से आराम से, ठीक है, बार भीतर रहेगा ऑटोमेटिक थोड़ा थोड़ा अंदर। ठीक है भाई, आप अपना पानी का चेकअप हो गया कंप्लीट, रेडिएटर का देख गए कैप है, रेडिएटर का आराम से तरीके से बिल्कुल टाइट होनी चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, ये ले, ठीक है, रेडिएटर का काम हो गया ख़त्म, देख लो भाई। ठीक है भाई, इस नीचे का रेडिएटर ये ऊपर से पैक करके कुंडे मिला के, ठीक, ये लोग होता है ऐसे किसी, ठीक है, रेडिएटर काम हो गया खत्म। ये ओड होती है भाई, इस ओड को खोल कर आराम से, ठीक है, ये इसका स्टैंड होता है इधर से, देख लो। कई भाई पूछते ना कि जिस सिलेंडर का कैसे पता लगे, क्या सिलेंडर गाड़ी है, कितने स्ट्रोक गाड़ी है, तो भाई ये काउल गिन लिया करो। ठीक है, ठीक है, 1 2 3 4, समझ गए भाई, यानी कि 4 स्ट्रोक गाड़ी। ठीक है, 4 स्ट्रोक गाड़ी भाई, इसका बाईपास देख लो भाई, ये लिख रहा, ये लग रहा बाईपास, सीधा इसमें है ना, वहाँ से पाइप आ रही है रेडिएटर से, ये नीचे नीचे होती है। ठीक है, ये नीचे पाइप है ना, ये वाली थे, ये पाइप ये सीधी वहाँ जा रही है लास्ट में, और सामने देखो रेडिएटर लगा हुआ उधर। ठीक है, देखिए अभी फ़ैन दिख गया, ये सामने फ़ैन है यहाँ पे, ये जो मोटर लग रही है ना सामने वाली, ये फ़ैन ही, हाँ उधर से आ रहे हैं, ये अपना इंजन ऑयल रहा, इसे यहाँ से खुलता है, सबने पता ही है, लिख भी रहा है इंजन ऑयल, इसको आराम से खोलते हैं, इसके अंदर लेवल जो होता है फिर आराम से डाला जाता है। ठीक है, और ये हो जा रही भाई, ठीक है, और बताओ, हाँ FIV पंप, FIV पूछ रहे थे, ये FIV होती है भाई ये, ठीक है, ये देखो ये रही, ये कौन सी, इंजेक्टर वाली,
ये देखो पांचों अलग अलग दे रखी है कोयल के हिसाब से, एक दो तीन, एक दो तीन और चार ये रही, ठीक है। और क्या बताऊँ, ये देखो यहाँ से स्प्रिंग दिख रहे भाई जिसके सस्पेंशन है, ये है लीफ बॉयल स्प्रिंग, लीफ बॉयल स्प्रिंग दिख गया यहाँ से, और वो नीचे उधर आराम रहा दिख रहा भाई, इसी दाई में आराम है, ठीक है। और बताओ, हाँ ये रहा इसका अल्टीनेटर, दिख गया भाई, देखा ये दिख गया, हाँ वो अल्टीनेटर है भाई, ठीक है। ये इसकी सेल्फ रही इधर, ये वाली, ये देखो बेल्ट पुली से आ रही, बेल्ट के साथ कनेक्ट होके देख रही है ना बेल्ट, ये बेल्ट किधर जा रही है, इधर आगे फैन की तरफ घुमाने काम करता है, क्रैंक शाफ्ट है जो वो उसकी पुली के साथ इसको ड्राई घुमाने का कार्य करेगी, ठीक है। अब आगे चलेंगे गेज मारेंगे, हैं बोनट कर देता हूँ डाउन भाई, ठीक है। ये लॉक लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया क्लोज। देख लो भाई आज गाड़ी में ना, हाँ ये ब्रेक का है, ब्रेक ऑयल, गाड़ी के बाहर चलेंगे फिर तुम्हें गेज मार के दिखाता हूँ। ठीक है भाई, ये ऑर्डर है, स्टैंड बोलते हैं इसमें जगह होती लगाने की, आराम से बोलते इसमें देख गया सेट हो गया ना, और से ये देखो डिपस्टिक, ठीक है, ये पीली वाली उसको डिपस्टिक बोलते, ध्यान रखना इसको आराम से घुमा के ऐसे बाहर निकालते हैं, ठीक है, आराम से बिल्कुल, ये देखो देखो भाई, ये देखो भाई सबसे नीचे जो जहाँ एंड पॉइंट हो रहा है इससे लेके और इसके इधर देखो, ठीक है, बीच में निशान है, हाँ इसे सेफ होता है यहाँ पे, इस लेवल तक होना चाहिए, ठीक है, हाँ आराम से। ये ले लो भाई इसमें स्टेयरिंग ऑयल, ठीक है, देखा ये मैक्सिमम ये मिनिमम, हाँ दोनों आराम से होना चाहिए, स्टेयरिंग की आवाज़ से पता लग जाता है गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग ऑयल खत्म हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये अपना रेडिएटर हो गया, वो ऊपर टैंक सबसे नीचे, ये ना जो नई BS6 गाड़ी है इसमें इंटरकूलर लगा रहा है, यानी कि डबल रेडिएटर, ठीक है भाई, हाँ ये ऊपर होज पाइप आ रही है दिख रहा होगा ये वाली, ठीक है, ये ऑरन हो गया, एक नॉर्मल की बात सारा देख के बता दोगे तुम, ठीक है। ये जो वाइपर मशीन होती है, ठीक है, ये वाली जो सामने लग रही है जो पानी मार दी शीशों के विंडशील्ड के ऊपर जो पानी ले जाए वाटर, हाँ बिल्कुल प्रेशर के साथ पानी शीशों के ऊपर फेंकती है। ये भी अपना क्लच ऑयल, ठीक है, इसको खोल देता हूँ, ये नीब दबा के यहाँ से ऊपर से फिर इसको खोला जाता है, ये कवर रख दिया इसका, दिख गई भाई अंदर, इसको खोलते एक बार, थोड़ा टाइट होता है ये ना, एंटी क्लॉकवाइज खुलता है, ठीक है, ये इसके अंदर जाली होती है जिससे कोई कूड़ा करकट अंदर ना जाए, ठीक है। तो ये देखो देख रहा है अंदर, गौर से देखो दिख रहा है ना, तो यानी कि अपना लेवल थोड़ा लो है, अब इसको फुल कर देते हैं, तो हमारी जो CC है ना ये अंदर जा नहीं पा रही, तो थोड़ा अखबार का लेयर लगा के देख रहे हो जा रहे हैं ना, राम राम से, राम राम धार बना इस हिसाब से डालना है, राम राम से देखो भाई, ठीक है, ये देखो, ठीक है, पूरा कंप्लीट भरती है ऐसे पूरा रखना है आपको, भी वहाँ ध्यान रखना है चीज़ का, डलने के बाद कैप को दोबारा से क्लॉकवाइज टाइट कर देना है, खुलता है एंटी क्लॉकवाइजर क्लॉकवाइज, देखो भाई, ठीक है, पूरा अच्छी तरीके से चूड़ी चढ़ा दिए दाँव काम कहता हूँ, ये लॉक, ठीक है भाई, ऐसे कैसे लॉक कर देना है, देख लो क्लच का ऑयल डाल दिया है, ठीक है, ये स्विच देख लो,
ये नीचे का लो बीम, ये पार्किंग, ये ऑफ, ठीक है। ये बैटरी कटआउट, ये 4x4, ठीक है। ये अपना लाइट ऊपर नीचे करने का, ये प्रेशर थोड़ा, जिस गाड़ी में प्रेशर होता है ना, यहाँ प्रेशर होता है। बाकी हैंड ब्रेक ये देख लो, कई भाई कहते हैं ना, मैं कहता ना हैंड ब्रेक कैसे चेक करना है ऊपर। कई बार क्या है, पार्किंग बत्ती डैशबोर्ड में मीटर जो होता है ना, कि सोचा इसके अंदर है ना, कई बार पार्किंग लाइट ऑन रहती है, तुम सोचो गाड़ी पार्किंग में, तो इसी जाकर ये हाल नहीं रहा तो समझ जाना क्या, कि ये देखो ये हाल नहीं रहा बिल्कुल भी, इसका मतलब गाड़ी पार्किंग लगी है। ये नींब होती है ना, ये देखिए ये खींचने वाली, ठीक है। इसको दबा के ये देखो गाड़ी हाली, ऐसे दोबारा लगाना, मतलब ये हाल नहीं है तो गाड़ी पार्किंग में लगेगी, ये चीज़ ध्यान कर लेना भैया। फिल्टर खोलेंगे, ठीक है, गाड़ी का कैप खोल लिए, देखिए भैया ये फिल्टर, ठीक है। ये देखो क्लैंप जो मैं बता रहा था, ये साइड से खुलेगी, यहाँ से एक येरी, एक येरी, ठीक है, ये अलग हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। देखो ये रहा, ठीक है। आइए अपना वाटर, जो वाइपर का पानी होता है ना, पूरा खाली पड़ा है, ठीक है। अपना इसमें पानी डालेंगे, आइए फिल्टर है, इसमें साफ़ करेंगे, ठीक है। बताता हूँ पूरा, अभी ये खोल लेना है आराम से क्लैंप से, फिर ये पूरा आराम से देखो तार के कपड़े से साफ करना है पूरा अच्छे तरीके से। ये क्लैंप होती है, ये पूरी खोलनी पड़े ऐसे अपोजिट, ठीक है। देखो ये खुल गई, सेम ऐसे खोलनी है, ठीक है। ये बाल का वार्सल का ध्यान रखना, इन्हें खोल के, अरे वार्सल बिल्कुल इसके अच्छे तरीके से, ठीक है। रबड़ वाला अंदर ऐसे आराम से इसको खींच लेना है, ठीक है। ये साफ ही है, कोई दिक्कत वाली बात ना, बाहर शनिवार को साफ करता हूँ गाड़ी। ये देख लो अंदर, ठीक है। इसमें ना कपड़ा मारना अच्छे तरीके से, दाव अंदर बाहर पूरा कंप्लीट। ये अपना वाटर हो गया, पहले पानी डाल देते हैं उसके बाद आगे काम करेंगे, ठीक है भाई। ये देख लो, ये जो वाइपर होता है ना शीशे पे, विंडशील्ड पे पानी मारते भाई, ये टैंक हो, ठीक है, यहाँ पानी डाला जाता है। ये पूरा अपना चेक रखा करो, बड़ी बड़ी में बहुत सही काम आवे, ठीक है। ये अपना पूरा डाल दिया है, ठीक है, थोड़ा और रहेगा कम, अभी और भर देता हूँ। ठीक है भाई, देखो पूरा कंप्लीट भर दिया है, ऐसे इसे टाइट बंद करनी बिल्कुल, ऐसे पकड़ के हाथ से, ठीक है ना। कपड़े से भाई इसको अच्छे से साफ करूँगा, ठीक है, पूरा अंदर से साफ करूँगा, जैसे देख सकते हो तुम, देख गया, ऐसे पूरा कंप्लीट तरीके से साफ करना है, ध्यान रखना। हाँ, ये अंदर वाला नहीं खोलता, ठीक है, खोलने तो खोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ये गंदा नहीं होता। जब मेन बात है बाहर वाली नाज साफ होगी, ठीक है। देखो भाई देख लो पहले कैसा था, अरे बिल्कुल चमक गया है नट, ठीक है। लो थोड़ा सा लगा, सब कूड़ा सा रहता, ये ले भाई, ले भाई, ठीक है। देख लो अब कति बिल्कुल चमका दिया टनाटन, देख गया, अब रहेगा ये, अब इसको और साफ कर देता हूँ। कई भाइयों को पता नहीं होता भाई इसमें क्या साफ़ करते हैं, ये जो फिंस होती है ना इसकी, जो अंदर ये देखिए जाली, ये है ना सूखा वाला होता है, एयर वाला, जैसे अपने फिल्टर होते हैं ना प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सूखा और अपना ऑयल वाला, तो ये सूखा वाला है, ठीक है। ये देखिए जाली, इसमें जो अपना प्रेशर होता है ना, जैसे मैंने प्रेशर मारा, देखो कई भाइयों को ना पता नहीं होता कि इसमें साफ़ क्या करते हैं। ये देखिए जो इसकी फिंस होती है ना, जो जाली, ये बिल्कुल जो सामने दिख रही है, हाँ बिल्कुल, ये है ना सूखा वाला है, कौन सा, जो अपना फिल्टर होता है ना, जो सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसमें एक सूखा होता है गिल्ला, तो सेम ही सूखा वाला है,
जो अपना हवा भरती एयर जो होती है फुल प्रेशर के साथ, उसको ऐसे इसमें मर्ज जो हल्का जो धुआं क्या बोलते हैं जो अपनी धूल होती है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से सफाई हो जाए। तो मैंने भाई धूप मार लिया बिल्कुल, देखो चमक गया है बिल्कुल। ठीक है, अब इसको सेट करते हैं दोबारा से वापस वहीं पे ले जाके। ठीक है, ये देखिए भाई कैप, कैप के ऊपर इसको आराम से ऐसे सेट करना है, तुम्हें सेम यही मिलेगा एज इट इज। ये देखो ये कैप बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये पार्सल रबड़ साइड से हमेशा अंदर होना चाहिए ऐसे। ये इसका आपका देख गया ना भाई, दिक्कत ज़्यादा यह हो रही है कि एक हाथ से फ़ोन ही पकड़ रखा है और एक हाथ से इसको मैं अगर कस देता हूँ फिर रोक दिखाता हूँ। देख सकते हो भाई फुल कट दिया है, कस दिया है मैंने बिल्कुल तरीके से बढ़िया। ठीक है, हाल भी नहीं रहा। अब ये जो कपल आ रहा है इसकी, इसको इनको अच्छी तरह से साफ करते हैं। लो भाई देख सकते हो बिल्कुल चमका दिया है। ठीक है, सेम ऐसे इसको चमका दिया बिल्कुल बढ़िया तरीके से। तो ऐसे ही आपको वहाँ सफाई का ध्यान रखते हुए बढ़िया तरीके से सारा काम करना है, जिससे आप ट्रेड टेस्ट में बढ़िया तरीके से पास हो जाओगे। ठीक है, अब मैं इसको सेट करके फिर दिखाता हूँ। देख सकते हो भाई पूरा कंप्लीट पैक कर दिया है। पैक करने के बाद है ना फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ पे इसको कपड़ा जरूर मारना भाई दिखाने के लिए। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। अगर किसी भाई का ट्रेड में ऐसे नंबर पड़ता है ना भाई, क्योंकि सबसे तो नहीं मरवाएंगे पर कुछ पता भी नहीं है भाई, सबसे भी करवा सकते हैं, तो इसलिए आप सबका मान के चलो वो नहीं करवाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से देख समझ गए होंगे पूरा अच्छी तरीके से। देखो चमक गया है पूरा सिस्टम, जो पहले गंदा हुआ था पूरा कंप्लीट चमक गया। ठीक है, ठीक है भाई, अब इसको पैक करते हैं। भाई जो दिल्ली पुलिस वाली गाड़ी है ना उनमें हालांकि एसी है नहीं किसी के अंदर, पर कई की जो गाड़ी जो लग्जरी में खड़ी है ना उनमें एसी है, तो कई बार फ़ायदे के लिए तो ऐसे होना चाहिए हर चीज़ को नॉलेज। तो ये देखो क्लैंप होती है, ये आराम आराम से सारी खोलनी पड़ती है, इसके अंदर जाली होती है बस वो धोनी पड़ती है। ठीक है, ये नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है भाई, ओके, इसको साफ़ करिए फिर बताता हूँ। चलो भाई, ये एरिया जो होता है ना इसके ऊपर ब्लैक जाली जो मेरे हाथ में भी दिखाता हूँ, ये एसी है ये। ठीक है, हाँ ये देख फिंस दिख रही है ना आपको, हाँ यही है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये थी दोनों साइड की ये वाली जालियाँ थी। ठीक है, इनको अच्छे से झाड़ के और गीला करके फिर दोबारा लगाना होता है। चलो बिल्कुल गंदी पड़ी थी अब बिल्कुल। भाई जो गाड़ी के अंदर टूल होते हैं ना वो एक बार देख लो क्या क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टूल होते हैं। ठीक है, इसके बाद जब कुछ भी ऐड करो लेकिन जो इंपॉर्टेंट टूल होते हैं वो ये होते हैं। ये होती है एलंकी। ठीक है, जैसे सीएनजी का जो ढक्कन होता है या डीजल का भी बाहर जो कैप होती है कईयों में एयर फिल्टर में ये एलंकी यूज़ होती है। ठीक है, ये छोटी वाली टायर रोड है जो जैक लगाते हैं ना भाई, छोटी वाली। ठीक है, बड़ी भी होती है वो भी, वो बड़ी होती है वो आगे रखी है। ये कई भाई को दिक्कत होती है, ये क्या चीज़ है भाई, ये है मैन गोटी जो अपनी स्टेपनी को जो खोलती है ना, मतलब जो टायर खोलते हैं ना, इसका नंबर ध्यान रखना भाई 27 नंबर की होती है। ठीक है, देख मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 27 नंबर की गोटी से खुलता है टायर, कई भाई 21 को 24 बता रहा था, 27 नंबर होती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये इमरजेंसी की होती है 10 नंबर 13 नंबर, जो लगभग गाड़ी में जो छोटे नट होते हैं लगभग 13 और 10 से ही खुलते हैं भाई। ठीक है, जो उससे जो हल्के ऊपर होते हैं 21 18, ध्यान रखना 21 18 13 10, इसको तो आपको समझ लो पेज का सा है। ठीक है, दोनों साइड होता है ये माइनस और प्लस दोनों साइड का। ठीक है, ये देख रहे हो, ये तो आपने पहली बार देखा होगा भाई, ये है ना जो नई जो गाड़ी आ रही है ना पुरानी गाड़ी में आगे टोचन करने का जो गाड़ी नहीं, हमने ये गाड़ी में ना ये चूड़ी चढ़ जाती है आगे गाड़ी के अंदर जगह दी होती है, इसमें आप गाड़ी को टो करके खींच सकते हो। ठीक है, छोटा गोटी वाला सेम यही काम है, जो ये काम करती ना कई जगह क्या है चाबी नहीं रहती, इनको ज्वाइंट करके इसको इसमें ऐड करके ऐसे खोलने का कार्य करते हैं। ठीक है, ये भाई रेड वाली रिफ्लेक्टर कौन सी, जैसे गाड़ी पंचर होगी तो बाहर खोल के रखना पड़ता है, ध्यान रखना, मान ले बोल दे गाड़ी पंचर होगी तो आप क्या करोगे, तो रिफ्लेक्टर का सारा लेंगे, रिफ्लेक्टर सड़क के ऊपर लगानी पीछे की तरफ। ठीक है, इसको लगा के फिर आप गाड़ी आराम से स्टेपनी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम दोनों में वही चीज़ दो होते हैं। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से टूल वूल सब मैंने कम्प्लीट करवा दिए। ठीक है, और भाई ये फायर एग्जिशन सिलेंडर है। ठीक है,
दो तो बेसिक सी बात है, हर गाड़ी में दो आते हैं, अब कईयों में तीन भी आने लग गए हैं। फायर एग्जिशन सिलेंडर है, ठीक है भाई। भाई सभी गाड़ियों ना फर्स्ट एड बॉक्स का ध्यान है ना, फर्स्ट एड बॉक्स और ये होगा SOS बटन, जिसको पैनिक बटन बोल रहे हैं, इसको दबाओगे तो आपके हेल्प के लिए 112 नंबर बिल्कुल 10 से 12 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगी, ठीक है। SOS बटन, पैनिक बटन, हेल्पलाइन बटन, तीनों भाई सेम ही है, ठीक है, ध्यान रखने से। भाई देख सकते हो कितना पसीना धड़क रहा है, कभी गाड़ी के नीचे बढ़ रहा हूँ, कभी बाहर निकल रहा हूँ, एक एक चीज़ देखने लगे कि तुम लोग पास हो जाओ, ठीक है। अब भाई अब तुम्हारी मर्जी है, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करो या मत करो, वो तुम्हारी मर्ज़ी है। मैंने अपना काम करना था, कर दिया। आपसे पिछली वीडियो में कही थी कि मैं एक दिन पर्सनली वीडियो बना दूंगा, इसको है ना प्री वर्कआउट, प्री चेकआउट बोलते हैं, ठीक है भाई, गाड़ी को प्री चेकआउट, इसमें के जो नॉर्मल जो चीज़ें होती है वो चेक करनी होती है। आपसे बोल दी प्री चेकआउट क्या क्या होता है, तो बता देना भाई, कूलेंट, तेल, पानी, अपना क्लच, ब्रेक, स्टेयरिंग ऑयल, गाड़ियों के जो टूल्स होते हैं उसके बारे में, फर्स्ट एड बॉक्स, ठीक है। हाँ तो ये सब चीज़ें भाई चेक करनी होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, किसी भाई ने अगर कोई कोई भी कमा बेची लगी हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स से ज़रूर बताना, ठीक है भाई। बाकी मेरी साइड से सारा काम ओके है, अब आप लोगों के सब बाबा भली करेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, और बोलो जय श्री राम, ठीक है भाई। पसीना देख सकते हो सिर्फ चेकआउट चेकआउट करने, क्यों गर्मी हो रही है। तो अब अगली जो वीडियो आएगी ना भाई, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या आएगी, जो अपना फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, पूछ लेते हैं कौन कौन सी गोली होती है, क्या क्या काम होता है, तो वो भी पता होना चाहिए आप लोगों को। जो बेसिक्स नॉर्मल जो साइंस होती है ना, नॉर्मल वाली, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ तो इस वीडियो का नाम प्री चेकआउट के नाम से डालेंगे, ठीक है। तो सारे भाई बिल्कुल याद से अच्छे तरीके से एक बार ना दो बार देख लेना, कैसे फिल्टर कैप लगानी है, जो कम्प्लीट काम है ना, हाँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है भाई। कोई कमी हो तो मैसेज में ज़रूर लिखना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वो ही बताना कि भाई सर जी कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी, मतलब जिस भाई को जो रिस्पॉन्स है ना, अच्छी बेकार बुरी कुछ भी हो, वो भाई ज़रूर बताना है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ठीक है भाई, चलते हैं अब सारी वीडियो को कंप्लीट करके, इसको मैं थोड़ी बहुत देर में अपलोड कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।